your life, can't put me in a box. I redefine any definition you got. I am the tiger, I'm making steps to the top. The flames are ripping up, you just gotta hand me the rock. Take a seat, you cannot stand it. All I know the flow. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि मस्त मज़े में होंगे। तो दोस्तों, लगातार 3 व्लॉग वाटरफॉल का था। दोस्तों, आज हम अपने ही शहर के पार्क में आप सबको घुमाने लेकर आए हुए हैं। तो गाइस, ये पार्क का पार्किंग कंपाउंड है। आप देख सकते हैं कितने व्हीकल लगा हुआ है। तो चलते हैं टिकट कटाने। ये टिकट काउंटर है, ये रहा दोस्तों टिकट। और अब चलते हैं अंदर, टिकट गार्ड साहब को देना है, चेक करेंगे। और एंट्री करने के बाद कुछ इस तरह का माहौल दिखेगा आपको। ये लेफ्ट साइड से एक रास्ता गया हुआ है और एक राइट तरफ से रास्ता गया हुआ है, तो हम लोग राइट तरफ से चलते हैं। और दोस्तों, जैसे ही पार्क में एंट्री करेंगे तो आगे में आपको मिलेगा एक टाइगर, जो कि अभी जल्द ही इस पार्क में लाया गया है। उसके बाद फिर आपको हॉर्स मिलेगा, एक यहाँ पर बनाया हुआ है। गजिए, आपको हम फ्रंट लोकेशन दिखा रहे हैं और अभी अंदर चलते हैं। अंदर में भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको सारे कुछ दिखाएंगे और बताएंगे। तो चलते हैं अब अंदर। तो गाइज, अभी हम अंदर जा रहे हैं और मेरे साथ आज इस ब्लॉग में साकिब और वारिस आया है, साथ में घूमने भी आए हैं। सोचा कि आज एक ब्लॉग भी शूट कर लेते हैं, जो कि यहाँ का ब्लॉग शूट नहीं किए थे। यहाँ पर आए थे बहुत काफ़ी पहले आए थे, लगभग 2 साल पहले आए थे, जबकि इतना सारा कुछ अरेंजमेंट नहीं किया गया था। तो गाइज़, यहाँ पे देख सकते हैं एक स्टैचू बनाया गया है, लेकिन अभी इसको ओपन नहीं किया गया है। पता नहीं किनका स्टैचू है। और उसी के बगल में एक ये पीपल का पेड़ है, जो कि रात में इसका खूबसूरती बढ़ जाता है। ऊपर में लाइट वगैरह सारा कुछ डाला हुआ है। गाइज़, आप पार्क में भीड़ देख सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है आज। बहुत सारे लोग आते हैं। ये बच्चों को खेलने के लिए बनाया हुआ है। और इसमें लिखा हुआ भी है, ये झूला सिर्फ 8 साल के बच्चों के लिए ही है। गाइस, अभी इस पार्क का सबसे खूबसूरत चीज दिखाने वाले हैं आप सबको। एक झूला आपको सबसे लास्ट साइड में मिलेगा, जो पीछे की तरफ है। और गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें हैं जो एक्सरसाइज करने के लिए है। सुबह में भी काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे। चारों तरफ देख सकते हैं आप, काफ़ी भीड़ है आज। अरे गजब, लाजवाब भाई, बस बस बस। तो गाइस, अभी हम पार्क में घूम रहे थे, वीडियो बना रहे थे, तो एक भाई से मुलाकात हुई, जो कि काफ़ी दिनों से डांस का प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सक्सेस नहीं हुए हैं। लेकिन इनका डांस देखें, और अभी जो बैक फ्लिप देखें, इन्हीं का था। तो काफ़ी दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो अभी इनसे हम नाम पूछते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम हुआ विलन। विलन? हाँ, विलन। अच्छा, कितना दिन से प्रैक्टिस कर रहे हैं आप? 6 महीने से। औरंगाबाद में क्लास वाला भी करते हैं? चलिए, मेहनत कीजिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी एक दिन। गाइस, आप सबको बता दें कि मेरा जो वीडियो है वो सैटरडे के इवनिंग और ट्यूजडे के इवनिंग में आएगा। 1 वीक में 2 वीडियो आप लोग के सामने आएगा। तो अगर किसी कारण वीडियो नहीं अपलोड होता है, तो वो समझ लीजिए सैटरडे को अगर वीडियो अपलोड नहीं हुआ, तो वो नेक्स्ट ट्यूजडे को अपलोड होगा। तो गाइज, अभी हम लोग पार्क के सेंटर पॉइंट पे हैं और आपको यहाँ से व्यू दिखाते हैं, जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है। चारों तरफ का भीड़ पता चल रहा है, आप देख सकते हैं। आज का मौसम भी अच्छा ही है। गाइज, एक्चुअली में हम लोग शाम को ही यहाँ पे आए थे और अभी अंधेरा होने लगा है थोड़ा थोड़ा, तो अभी नाइट का कुछ व्यू यहाँ पर दिखाते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। सारे लाइट्स ऑन हो जाते हैं, उसके बाद फिर आपको सारे वीडियो दिखलाते हैं चारों तरफ का। तो गाइज, अभी इवनिंग का टाइम हो चुका है और अंधेरा भी होने लगा है,
और यहाँ का अभी का व्यू देखिए किस तरह दिख रहा है। तो गाइज आप देख सकते हैं इस पेड़ का व्यू, अंधेरा होने के बाद कुछ इस तरह का दिखता है। और नजदीक लेकर चलते हैं, इस पेड़ का व्यू देख सकते हैं। अभी सारे लाइटें नहीं जली है, फिर भी ऐसा दिख रहा है। गाइज आप लोग कमेंट में ये बताना कि नाइट का व्यू ज्यादा अच्छा लगा या दिन वाला व्यू अच्छा लगा है। गाइज ये सत्येंद्र नारायण पार्क जो है औरंगाबाद के दानी बीघा एरिया में बनाया गया है और आज से लगभग 3 साल पहले बनाया गया है ये पार्क। तो गाइज आप लोग को बता दें कि औरंगाबाद जिस तरह से बड़ा शहर है उस तरह का ये पार्क नहीं है, ये उस हिसाब से बहुत छोटा पार्क है। इस ब्लॉग को बस यहीं पे एंड करेंगे। उम्मीद है कि ये ब्लॉग भी आप लोग को पसंद आया होगा। तो दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बेल आइकन का साइन है उसको दबा के ऑल पे क्लिक कर दीजिए ताकि इस तरह का ब्लॉग आप लोग को औरंगाबाद का और औरंगाबाद से बाहर का भी ब्लॉग आप लोग को मिलता रहेगा। तो दोस्तों इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं बहुत जल्दी बहुत अच्छे लोकेशन पर। तब तक के लिए बाय।